चंद्रगुप्त प्रथम 320 एडी से 330 एडी तक। मंगल भवन अमंगलहारी श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। गुप्त वंश का प्रथम नरेश चंद्रगुप्त अभिधान विशेष। कुमार देवी उसकी रानी उच्च वंश की दिव्य निशानी। ससुराल की ले शक्ति साथ चंद्र कीन बहु देश निज हाथ। आगरा अवध और विहार निज राज्य मिलाए सब प्रकार। पाटली पुत्र राज्य की धानी सभी ने शक्ति उसकी मानी। इतिहास के इस उज्ज्वल काल सभी विध भया देश खुशहाल। दश वर्ष का राज्य इसकी ना देश संगठित था कर देना। समुद्रगुप्त 330 एडी से 375 एडी तक। चंद्रगुप्त जब स्वर्ग सिधारा राज्य समुद्र गुप्त संभारा। चंद्र चंद्र समान था समुद्र समुद्र समान। शक्ति के प्रतीक दोए कीना देश महान। भिक्षुओं के जो झुंड थे मिला न उनको मान। बिगाड़ी थी जिन सब विध इस देश की शान। उजाले में मिट जात है जिमी अंधेरा मीत। भिक्षावृत्ति लुप्त प्राय गुप्त राज्य सब रीत। स्वर्णिम युग तभी था आया नूतन युग उदय हो पाया। बड़े बड़े वैदिक विद्वान उन्हें मिला सब विध ही मान। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे इस काल सूत्र ग्रंथ भी लिखे इस काल। षड दर्शन जो बहु विख्यात उनका निर्माण भया साक्षात। कपिल रचा सांख्य का दर्शन था पतंजलि योग का दर्शन। गौतम की न्याय की रचना कीकनाद वैशेषिक रचना। जैमिनी बनाया पूर्व मीमांस बादरायण उत्तर मीमांस। इस विध षड दर्शन रच पाए जो सब विश्व विख्यात हो पाए। योग आदि का ज्ञान जो विश्वव्यापी आज उसी काल की रचन यह गुप्त वंश के राज।
रचन और प्रसिद्ध जो उस काल की मीत ब्रह्म विद्या के स्रोत हैं ग्रंथ उपनिषद चीत व्याकरण का ग्रंथ जो अष्टाध्यायी कहाए इसी काल के रचन वह पाठ्यक्रम में आए और रचना साहित्य की जो भई उस काल क्या पूर्ण वर्णन हो सकता यह एक कठिन सवाल। बहु ग्रंथ तो लुप्त भये मुसलमानों के काल अग्निसात थे उनकिए ग्रंथालय तत्काल जो ग्रंथ थे बच गए उनका करें बखान गुप्त काल साहित्य की रचना भई महान प्रभु कृपा से बच गए जो ग्रंथ तब मीत उनका वर्णन है यहाँ लेना पड़ सप्रीत। महाकवि कालिदास को जान कवियों में विख्यात महान नाटक रचे हैं उस बहु तेरे काव्य ग्रंथ भी हैं ना थोरे। शकुंतला नाटक जानिए एक इससे जन परिचित प्रत्येक और नाटक जो उस लिख पाए उनके नाम यहाँ पर आए। मालविकाग्नि मित्रम जान विक्रमोर वर्षियम पहचान काव्य ग्रंथ उसके लो जान रघुवंश लो एक पहचान मेघदूत और ऋतु संहार कुमार संभव लोचित धार इस कवि ये सब लिख पाए गुप्त राज्य में सभी सुहाए और लेखक जो हैं भये गुप्त राज्य के बीच उनका भी वर्णन करें जो प्रसिद्ध समीच। दो कवि प्रसिद्ध भये भास सौमिलिक मीत ग्रंथ भास के हैं मिले लुप्त सौमिलिक चीत। तेरह ग्रंथ हैं भास के सब नाटक के रूप प्रसिद्ध भये वे जगत में भास के नाम अनुरूप। प्रतिज्ञा योगंधरायण जान स्वप्न वास्वदत पहचान नाटक दूत घटोत कचमीत दूत वाक्यम भी इकलोचित करण भार
पंचरात्र भाई। दोनों नाटक बहु सुखदाई, प्रतिमा नाटक वा अविमारक, चारुदत्त अभिषेक जो नाटक, बालचरित उरुभंग पहचान, मध्यम व्यायोगम भीलो जान, तेरा नाटक जो मिल पाए, सदियों रह जो गर्त समाए, भाग्य से लगे एक पंडित हाथ, संस्कृत साहित्य भयासनाथ, भास के नाटक जब मिल पाए, सब विद्वानों ने वे अपनाए, उज्ज्वल काल था देश का, भास रहा था भास, कवियों में सम्राट था, मान मिला था खास, अश्वघोष भी था कवि, इसी काल का मीत, बुद्ध चरित इसने लिखा, सौंद्रानंद सप्रीत, भारवी का भी ग्रंथ है, कृतार्जुनीय ज्ञान, गुप्त राज्य के राज्य में भया प्रसिद्ध महान, भट्टी कवि ने है लिखा, रावण वध लो जान, भट्टी काव्य के नाम से है उसकी पहचान, गुप्त वंश के राज्य में माघ भया विख्यात, लिख पाया शिशुपाल वध, कृष्ण कथा साक्षात, रत्नाकर कवि भी भया महान, हरि विजय ग्रंथ उसका जान, नैषध चरित हर्ष लिख पाया, नल दमयंती चरित सुहाया, भारत का यह काल महान, उज्ज्वल काल इसी को जान, महाकवि भय इस ही काल, भारत वर्ष था अति खुशहाल, धन धान्य से था देश खुशहाल, ना दरिद्रता का कहीं सवाल, भारत स्वर्ण चिड़िया विख्यात, घर घर स्वर्ण पड़ा साक्षात, देश विदेश में करें व्यापार, जग का केंद्र यह था उस काल, विद्या में प्रसिद्ध यह देश, शिक्षार्थी आते रहें हमेश, विश्वविद्यालय में पढ़ पाते, पा शिक्षा निज देश सिधाते, विश्वविद्यालय बहुत थे, नालंदा आदि मीत, तक्षशिला भी एक था, जग को है प्रतीत,
25 वर्ष राज्य किया। समुद्रगुप्त उस काल लगभग सारे देश पर था उसका अधिकार। हिमालय से तक नर्मदा, बंगदेश पंजाब, उसका राज्य विशाल था। सर्वत्र दब दबाव, भयान आदि यात्री चीन देश से आए। पाए कर शिक्षा लौटे, खुद वर्णन कर पाए। वर्णन सबने बहुत है कीना, जो कुछ यहाँ पर आकर चीना। नगर यहाँ के बहुत विशाल, जनता यहाँ की बहुत खुशहाल। मद्यपान का था नहीं नाम, चोरी आदि का ना कुछ काम। हिंदू धर्म तो था प्रधान, बाकी धर्मों का भी मान। संस्कृत भाषा तब प्रधान, उसी में मिलता सबको ज्ञान। सारनाथ अजंता जानो, उच्च शिक्षा के केंद्र मानो। हजारों शास्त्रों का वहाँ वास, असंख्य अध्यापकों का अधिवास। दर्शन न्याय और विज्ञान, मिलता आयुर्वेद का ज्ञान। साहित्य का सृजन सभी मुख्य भया इस काल। वैदिक और संस्कृत का जो था ना पूर्व काल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375 एडी से 413 एडी तक। समुद्र का भया देहांत, शासक भया चंद्र उपरांत। विक्रमादित्य वह भया विख्यात, आदित्य वह विक्रम का साक्षात। विस्तृत कीना था निज राज, कीन विजित नूतन कैराज। काठियावाड़ मालव प्रदेश, जीता उस गुजरात का देश। समुद्र पर उसका अधिकार, वणिज होत था हर प्रकार। पश्चिम देशों से व्यापार, देश में धन के लगे अंबार। प्रजा सुखी थी सब प्रकार, न्याय का शासन हर प्रकार। इस राजा के न्याय की बात, जग में सर्वत्र है विख्यात। यह एक उज्ज्वल काल था, थे सम्राट महान। प्रभु कृपा से थे भये, विक्रमादित्य समान।
दया भई थी नाथ की। भारत पे उस काल धन धान्य से देश भरा, सब विध वह खुशहाल, सदाचारी सब लोग थे, व्यसनों से भी हीन, परस्पर सब में प्रेम था, दीखत ना को दीन। सम्राट के दरबार में विद्वता का था मान, वेद पाठी थे विप्रवर और वणिक धनवान, क्षत्रिय कुशल थे युद्ध में, महाविजयी वे शूर, सकल विश्व में भारत सदाचारी मशहूर। भारत के संरक्षक राम लाल भगवान, युग युग कृपा कीनी उन, देश की जाए न आन। आर्य संस्कृति प्रिय उन्हें, वैदिक धर्म विशेष उन्हें प्रिय है देश यह, करते दया हमेश। युग युग में अवतार लें, भारत रक्षा हेत, राम बने कभी कृष्ण वे, राम लाल लोचेत। ऐसा काल भविष्य में देख सका ना देश, अपने दोषों से इस भोगे बहुत क्लेश। आपस के ही द्वेष से देश भया बर्बाद, शत्रु रहा सदा ताक में, कब होवे आबाद। भारत ने तो बात यह कभी ना कीनी याद, कीन आपस की फूटने कुरुवंश बर्बाद। कुमार गुप्त 413 एडी से 455 एडी तक। कीन चंद्र बहु वर्ष था राज, कुमार गुप्त था तब युवराज। कुमार ने जब राज संभाला, सुदृढ़तर शासन उस कर डाला। अश्वमेघ उस यज्ञ रचाया, विश्व विजय इस विध बन पाया। बहुराजा उस भय अधीना, निज सम्राट कुमार को चीना। इस काल की क्या करें बढ़ाई, दिशा सकल प्रगति हो पाई। ऐसा काल ना फिर कभी आया, देश इमी जब सुखी हो पाया। समृद्ध सुखी जब होवे देश, तभी हो रचना शकना लेश।
गुप्त काल बहु भये विद्वान ग्रंथ रचे जिन कई महान। गुप्त काल की रचन का अब कुछ करें बखान, बहुरचन तो लुप्त भई जब ही थे मुसलमान। बाण कादंबरी को रच पाया बृहत कथा गुणाढ्य लिख पाया। दंडी का दशकुमार चरित भवभूति का महावीर चरित इन सभी ग्रंथों का बहुमान। साहित्य के ये रत्न महान गुप्त वंश की शोभा जानो उस काल का करिश्मा मानो। बाल रामायण भी लो जान राजशेखर की रचन महान। लिखा शूद्रक ग्रंथ है भाई मृच्छकटिका जो नाम सुहाई। भर्तृहरि की रचन लो जान एक ग्रंथ में तीन लो मान। तीन शतक जो उस रच पाए सर्व जगत के चित्त सुहाए। एक है शतक श्रृंगार का दूजा नीति जान। तीजा शतक वैराग्य का रूप जीवन का मान। कला और विज्ञान की भी उन्नति उस काल। स्वर्ण युग इतिहास का था यह उज्ज्वल काल। ऐसा काल इस देश में आया ना इसके बाद। उन कालों में भूख मरी और अत्याचार। ऐसा काल इस देश में आया ना इसके बाद। काला काल वाधु मिल ही थे इसके बाद। उन कालों में भूख मरी और अत्याचार। ह्रास धर्म का भी भया दुखी जन हर प्रकार। प्रभु केवल उस काल में भारत के रखवार। इसका वर्णन फिर करें दया प्रभु अपार। स्कंध गुप्त 455 एडी से 480 एडी तक। था जब कुमार गुप्त महाराज स्कंध गुप्त था युवराज। कुमार गुप्त जब स्वर्ग से धारा स्कंध गुप्त ने राज संभारा। स्कंध गुप्त का काल विशेष शत्रु विदेशी आए इस देश।
हुन मंगोलिया से चले आए। भारत पर आक्रमण कर पाए। वीर स्कंद ने उन्हें पछाड़ा। भारत से था उन्हें उखाड़ा। भाग गए तब वे निज देश। भारत पे कृपा प्रभु विशेष। गुप्त काल एक बात विशेष। प्रचार योग का भया विशेष। बंगाल काबुल व कंधार। सर्वत्र योग का था प्रचार। बुद्ध धर्म भी योग अपनाया। गुण योग का ज्ञान वह पाया। सभी योग को मानते। योगिन का था मान। योगिन के थे नाम पर बने अनेक स्थान। गोरखपुर प्रसिद्ध है महायोगी का धाम। परंपरा जो योग की उसका उसमें नाम। गोरखनाथ योगी भया उस काल में मीत। सिद्ध पुरुष महान वह शिव से उसकी प्रीत। शिव की ही है परंपरा चली योग की जान। गुप्त काल में जान लो थी प्रसिद्ध महान। उस काल में योग का सर्वत्र था प्रचार। राज और हठ योग का जगति में प्रसार। सिद्ध योगी तब भये अनेक। शिक्षा योग की दे प्रत्येक। कुछ एक के नाम बतलाएं। जग के लोग न भूलन पाएं। योगाचार्यों के ये नाम जो सभी हैं योग के धाम। मीनानाथ और गोरखनाथ। जग को इनने कीन सनाथ। वीरूपाक्ष विलेशयतात। योगी भय प्रसिद्ध साक्षात। मंथान भैरव भी था प्रसिद्ध। सिद्धवद्ध भी योगी सिद्ध। कथंडी वाकोरंटक जानो। इनको सिद्ध पुरुष तुम मानो। चपरटी था एक योगी महान। कनेरी योगी सिद्ध सुजान। पूज्य पाद था भया विख्यात। नित्यानंद सिद्ध साक्षात। निरंजन वा कपाली मानो। स्तंभ योग के उनको जानो। ऐसे ऐसे योगी जना
भये थे इस देश, भूल गए हैं नाम तक, महाजनों के लेश। योगी जनों ने पुस्तकें जो लिखी उस काल, उनको भी हम देख लें, ज्ञान मिले साक्षात। वह तो एक साहित्य है देव ज्ञान का जान, कहीं विश्व में ना मिलता हो जो इस समान। मुसलमानों ने आय कर की ना कुछ बर्बाद, जो कुछ अब उपलब्ध है वरणु इसके बाद। योग के उन थे रच दिए उपनिषद मेरे मीत, ऐसा ना कहीं ज्ञान है रहे सबन प्रतीत। गुप्त काल की देन यहा युग स्वर्ण के बीच, ऐसा काल ना आ सका फिर भारत के बीच। उपनिषदों की बात बताऊं एक एक कर सब गिन पाऊं, उपनिषद हंस सुनो मम मीत, नाद योग की जिसमें रीत। नाद बिंदु उपनिषद भाई, उसमें भी यह बात बताई। ध्यान बिंदु उपनिषद जानो, वर्णित कई विषय हैं मानो, षट चक्रों का उसमें ज्ञान, प्राणायाम और मिले ध्यान। मुद्रा नाद वहां सुखदाई, आत्मा निर्णय की ना भाई। अमृत नाद उपनिषद जान, प्राणायाम का दीना ज्ञान। त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद एक, जिसमें साधन कथे अनेक। आसन प्राणायाम बखाने, पंच धारणा ध्यान बताने। कुंडली का है दीना ज्ञान, समाधि का भी कीन बखान। शुरिकोपनिषद एक विशेष, जिसमें नाड़िन कथी अशेष। सब नाड़िन का दीना ज्ञान, जो जो योग में है प्रधान। प्राण से नाड़िन का प्रबोध हो, उपनिषद से ऐसा बोध। ब्रह्म विद्योपनिषद देखा, इसमें हंस मंत्र उल्लेखा। ऐसे ऐसे उपनिषद रचे गए इस काल, गुप्त वंश के काल में
शांतमयी था काल। शांत सदैव न रह सका, भारत का वह काल। हून उपद्रवी आन कर, लोटन यहाँ का माल। हार एक बार खा कर, लौटे फिर एक बार। प्रास्त उन्हें ना कर सका, स्कंद गुप्त इस बार। बंट गया यह देश तब, कई राज्यों में मीत। हून भी आबाद भये, भई जब उनकी जीत। हून उपद्रव करत रहे, 100 वर्ष इस देश। प्रभु कृपा से बस गए, फिर वे इस ही देश। हिंदू धर्म में मिल गए, यह एक घटन महान। हिंदू धर्म महान है, लेना हून पहचान। भारत के संरक्षक राम लाल भगवान। युग युग कृपा कीनी उन, देश की जाए ना शान। आर्य संस्कृति प्रिय उन्हें, वैदिक धर्म विशेष। उन्हें प्रिय है देश यह, करते दया हमेश। युग युग में अवतार लें, भारत रक्षा हेत। राम बने कभी कृष्ण वे, राम लाल लोचेत। उदय भया एक वंश तब, वर्धन वंश महान। थाने सर के नगर में, जो प्रसिद्ध स्थान। प्रभाकर वर्धन भया विख्यात, उसी वंश का नृप साक्षात। प्रभाकर वर्धन को सब जाने, महाबलशाली नृप पहचाने। हूनों को उस दीनी हार, सर्वत्र फैला यश अपार। राज्यवर्धन फिर भया नरेश, विख्यात भया वह भी इस देश। इसने भी थे हून हराए, जो थे मालव नरेश कहाए। राज्यवर्धन स्वर्ग सिधारा, हर्षवर्धन तब राज्य संभारा। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय। शरणम।